कनीज फातिमा, कनीज फातिमा, बस करें। ब्रेक टाइम खत्म होने से पहले हमें क्लास में जाना चाहिए। आप और कितनी जंपिंग करेंगी? कनीज फातिमा, बस करें और क्लास में चलें। क्लास में हमें जल्दी पहुंचना चाहिए ताकि टीचर के आने से पहले हम अपनी जगह पर मौजूद हों। गुलाम रसूल भाई, आइए पहले पानी पीते हैं, फिर क्लास में चलते हैं। गुलाम रसूल भाई, आज मैं आपको बताती हूँ पानी पीने का तरीका। क्यों नहीं कनीज फातिमा, जरूर बताइए। गुलाम रसूल भाई, पानी पीने से पहले बैठना चाहिए। फिर रोशनी में पानी को देखना चाहिए कि कहीं इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं है। फिर सीधे हाथ से बिस्मिल्लाह पढ़कर 3 सांस में पीना चाहिए। इस तरह के पहली और दूसरी बार एक एक घूंट पिए, 1, 2 और फिर तीसरी सांस में जितना चाहे पिए और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। वाह कनीज फातिमा, ये बातें आपको किसने बताई? ये बातें तो मैंने अमीरा अहले सुन्नत से सुनी थी। माशाल्लाह कनीज फातिमा, मगर अभी भी एक बात है जो आप बताना शायद भूल गई हैं। कौन सी बात गुलाम रसूल भाई, मैंने तो सब बता दिया। कनीज फातिमा, अपने गिलास में देखिए, इसमें थोड़ा सा पानी बचा हुआ है। इस पानी को भी पी लेना चाहिए। अगर हम इसे ना पिए और जाया कर दें, तो ये बहुत बुरी बात है। जी गुलाम रसूल भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें पानी पूरा पीना चाहिए और बचाना बिल्कुल नहीं चाहिए। प्यारे बच्चों, आप भी सुन्नत के मुताबिक इसी तरह पानी पिया करें। इससे प्यास बुझेगी और सवाब अलग मिलेगा। और हाँ, गिलास के आखिर में पानी बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी वजह से पानी छोड़ना पड़ जाए तो उसे किसी पौधे में डालिए या फिर किसी काम में इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन इसे हरगिज़ जाया ना कीजिए, क्योंकि पानी अल्लाह पाक की बहुत कीमती नेमत है। कनीज फातिमा, आराम से, इतनी जल्दी भी क्या है? ऐसा करने से घर वाले परेशान भी हो सकते हैं। रुकिए कनीज फातिमा, हमारा इस्लाम हमें घर में दाखिल होने का तरीका बताता है। घर में दाखिल होने का तरीका? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, हमारा प्यारा दीन हमें हर काम का तरीका सिखाता है। तो सुनिए, घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर ये दुआ पढ़नी चाहिए। اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج بسم الله ولدنا وبسم الله قردنا وعلى الله ربنا توكلنا। उसके बाद पहले सीधा कदम दरवाजे में दाखिल करना चाहिए, फिर घर वालों को सलाम करते हुए घर के अंदर जाना चाहिए, और अगर घर में कोई मौजूद ना हो तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुह कहना चाहिए। तो कनीज फातिमा, क्या आपको ये बातें याद रहेंगी? क्यों नहीं गुलाम रसूल भाई, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सीधा कदम दाखिल करना है, फिर सलाम करना है, और अगर घर में कोई ना हो तो फिर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुह कहना है। अरे वाह पालक, पालक तो मुझे बहुत पसंद है।
मगर गुलाम रसूल भाई ने बताया था कि खाने से पहले हाथ और मुंह धोना होता है। माशाल्लाह। मगर कनीज फातिमा, अभी अपने कपड़े चेंज करने हैं, शूज भी उतार कर जगह पे रखने हैं और फिर हाथ मुंह धोकर खाना खाना है, वरना यूं ही स्कूल के कपड़े पहने रहने से कपड़े खराब भी हो सकते हैं। ठीक है गुलाम रसूल भाई, मैं बस अभी आई। प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा कि घर में दाखिल होते हुए बिस्मिल्लाह पढ़कर सीधा पांव रखना चाहिए और साथ ही सलाम भी करना चाहिए। आप भी इस बात को अपनी आदत बनाइए और खूब सवाब कमाइए। कनीज फातिमा, आप ये कहाँ छुपी हैं? और ये अंगूर तो आपके लंच बॉक्स में रखे थे और आपने अभी से खा लिए। आई। अरे संभल कर, देखा शरारत में आपको चोट भी लग सकती थी। गुलाम रसूल भाई, अंगूर तो बहुत मजेदार हैं। लीजिए आप भी खाइए ना। बारकल्लाह कनीज फातिमा, आइए चलकर नाश्ते के लिए हाथ मुंह धो लीजिए। तो कनीज फातिमा, आज मैं आपको हाथ मुंह धोने का तरीका बताता हूँ। हाथ मुंह धोने का तरीका? जी कनीज फातिमा। तो चलिए सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर सीधे हाथ से नल खोलें और दोनों हाथों को पंचों तक धोएं। अब साबुन लेकर इसे गीला कीजिए और नल बंद करके साबुन लगाकर हाथों को अच्छी तरह मलिए। अब इसके बाद नल खोलकर दोनों हाथों को धोइए और फिर अच्छी तरह कुल्ली भी कीजिए। कनीज फातिमा, एक हाथ से पानी के जरिए मुंह का अगला हिस्सा भी धोइए और फिर नल बंद कर दीजिए। प्यारे बच्चों, आप भी खाना खाने से पहले खाने का वजू कर लिया करें, यानी अच्छी तरह हाथ मुंह धो लिया करें। मगर इस बात का खास ख्याल रहे कि पानी बिल्कुल भी जाया ना हो पाए। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فزان بھائی سفر کی دعا پڑھ لیجئے. جی ضرور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. गुलाम रसूल भाई, आपका ये पानी का थर्मोस कितना प्यारा है, आप ये मुझे दे देना और इसके बदले मेरा थर्मोस ले लें। देखिए ना, ये भी बहुत अच्छा है। हाँ फैजान भाई, आपका पानी का थर्मोस भी बहुत अच्छा है, मगर इस तरह दूसरों से मांगना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मगर गुलाम रसूल भाई, मुझे आपका थर्मोस अच्छा लग रहा है। फैजान भाई, किसी की चीज अच्छी लगने पर वो चीज मांगना अच्छी बात नहीं है। हमें हमेशा अपनी चीज इस्तेमाल करनी चाहिए और दूसरों से कुछ नहीं मांगना चाहिए। फैजान भाई, हम सभी के पास कुछ ना कुछ अच्छी चीजें होती हैं, मगर हमें अपनी चीजों के अलावा दूसरों की चीजें अच्छी लगती हैं और फिर इस तरह मांगने से हमारा दीन इस्लाम भी मना करता है। लिहाजा हमें अपनी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए और किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। बांटता है ये सब। प्यारे बच्चों, आप भी इस बात का ख्याल रखें कि किसी से कभी कुछ ना मांगें। इसी तरह घर से बाहर अगर कभी पड़ी हुई कोई चीज कहीं से मिले तो उसे भी ना उठाएं, बल्कि अपने बड़ों को बताएं और हर हालत में सिर्फ अपनी ही चीज इस्तेमाल करने की आदत बनाएं।
फैजान भाई, नज़र तो आ रहा है मगर आपको इस तरह से तेज स्कूटी नहीं चलानी चाहिए। ओहो, क्या हो गया आप दोनों को, क्यों लड़ने लग गए? लड़ना अच्छी बात नहीं है। नुमान भाई, आपको चोट तो नहीं आई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई चोट नहीं आई। फैजान भाई, खैरियत तो है? आप इतनी तेज स्कूटी क्यों चला रहे थे? वो गुलाम रसूल भाई, खेलते हुए गलती से मेरी बॉल बाबू अंकल की गाड़ी पे लग गई। वो गुस्सा करने लगे, मैंने माफ़ी भी मांगी मगर वो डांटते हुए मेरी तरफ आने लगे। मैंने उनसे बचने के लिए स्कूटी उठाई और तेज चलाना शुरू कर दी। ये तो बहुत बुरा हुआ। फैजान भाई, आपको वैसे भी गली में नहीं खेलना चाहिए था और फिर अंकल की बात सुननी चाहिए थी। देखा, आपकी स्कूटी तेज चलाने की वजह से टक्कर भी हो गई और नुमान भाई को तकलीफ भी पहुंची। अब आप नुमान भाई से माफ़ी मांगे। मैं क्यों माफ़ी मांगू, मैंने जानकर तो ऐसा नहीं किया। ओहो फैजान भाई, गलती ना भी हो तो माफ़ी मांग लेने में हर्ज नहीं, बल्कि ये तो अच्छी बात है। आप नुमान भाई से माफ़ी मांगिए। अच्छा भाई, मुझे माफ़ कर दें। फैजान भाई, मैंने आपको माफ़ किया। चलिए फैजान भाई, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। गुलाम रसूल भाई, ये क्या, आपने नुमान भाई का साथ दिया और मुझसे माफ़ी भी मंगवा ली, आपने अच्छा नहीं किया। फैजान भाई, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? माफ़ी मांगना तो अच्छी बात है, वरना नुमान भाई नाराज रहते तो ये अच्छी बात तो नहीं होती। हाँ, सारी गलती मेरी है। फैजान भाई, मेरा वास। अरे देख कर, फैजान भाई, आज आपको क्या हो गया? आपने आज खुद ही अपने आप को तकलीफ पहुंचाई। मैंने अपने आप को तकलीफ पहुंचाई? जी फैजान भाई, आपने खुद ही अपने आप को तकलीफ पहुंचाई। देखिए, जब आप स्कूटी तेज चला रहे थे तो आप नुमान भाई से टकरा गए और नुमान भाई को तकलीफ भी पहुंची। आपको माफ़ी भी मांगनी पड़ी और जोर से दरवाजा बंद किया तो आपका गिलास भी टूटा और वास भी टूटा और आपके गिरने से आपकी टांग में भी लग गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैजान भाई, दीने इस्लाम तो हमें सब्र करना सिखाता है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, गुस्सा ना करो तो तुम्हारे लिए जन्नत है। मैंने वाकई बहुत गुस्सा किया मगर गुलाम रसूल भाई, आप बहुत अच्छे हैं, आपने मुझ पर बिल्कुल गुस्सा नहीं किया बल्कि मुझे समझाया। फैजान भाई, गुस्से से तो काम खराब होता है, आप सोचे तो सही कि गुस्से का नुकसान तो बिल आखिर आपको ही हुआ ना। गुलाम रसूल भाई, वाकई आप सही कह रहे हैं, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब मैं बाबू अंकल से और नुमान भाई से अपने किए की दिल से माफ़ी मांगूंगा और अपने अंदर सब्र और बर्दाश्त पैदा करने की भी पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्यारे बच्चों, जब भी गुस्सा आ जाए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें, या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से गुस्सा जाता रहेगा और लड़ाई करने या शोर मचाने की बजाय सब्र की आदत बनाएं और गुस्से के नुकसानात से खुद को बचाएं। मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। अच्छी बातें बतलाता।
ठीक है, प्लान ए फेल, अब प्लान बी स्टार्ट। ये नुमान कहाँ गया? गुलाम रसूल के मदनी फूल आया, मदनी गुलाम रसूल। ये पकड़ लिया। ये क्या? आपको पकड़ना तो बहुत आसान है। होशियारी, दैट इज कॉल्ड स्मार्टनेस। जब एक प्लान से टारगेट अचीव ना हो रहा हो तो प्लान बदलना पड़ता है। ये गुलाम रसूल भाई के साथ कौन है? ये हमारे नए दोस्त सर भाई हैं, जो साइंस के काफी मालूमात रखते हैं। आए इनके पास चलते हैं। क्या बात है सर भाई, आप क्यों परेशान हैं? और आप दोनों इन पौधों के हवाले से क्या बात कर रहे थे? ये क्या किया गया आप दोनों ने? आप दोनों के खेल के दौरान पौधे का गमला टूटा है, जिससे पौधे को काफी नुकसान पहुंचा है और दूसरे पौधे भी खराब हुए हैं। ओहो, ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ। क्या आपको पता है कि पौधे अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है? अल्लाह पाक ने इन दरख्तों और पौधों को इंसान की खिदमत के लिए लगाया हुआ है और ये फजाई आलूदगी दूर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये फजाई आलूदगी दूर करते हैं? ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन? साइंसी तहकीक के मुताबिक दरख्त और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड नाम की बुरी गैस अपने अंदर लेते हैं, जबकि ऑक्सीजन यानी सांस लेने में मददगार गैस हम इंसानों को देते हैं। ऑक्सीजन तो इंसानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, इसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकते। ये पौधे तो बहुत ही कीमती होते हैं। जी, ये पौधे वाकई बहुत कीमती होते हैं। वैसे भी ये पौधे तो अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने जुल्म और ज्यादती के बगैर कोई दरख्त उगाया, जब तक अल्लाह पाक की मखलूक में से कोई एक भी उसमें से फायदा उठाता रहेगा तो उसको यानी लगाने वाले को सवाब मिलता रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आप भी अपने स्कूल में लगे हुए फूल पौधों का खूब ख्याल रखिए, बल्कि हो सके तो अपने घरों और महल्लों में भी अच्छे अच्छे पौधे लगाइए और माहौल ठंडा और खूबसूरत बनाइए। सो लेट्स ब्रेथ इजी। गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल के मदनी फूल, गुलाम रसूल। कनीज फातिमा, ये आप क्या करेंगे? लाए ये मुझे दिखाए। अजान का एहतराम करते हुए गुफ्तगू और काम काज रोक कर अजान का जवाब दीजिए और ढेरों ने किया कमाइए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कनीज फातिमा, क्या आपको और जैनब को नमाज पढ़ने का तरीका आता है? नहीं तो, मुझे आता है। माशा अल्लाह, मैंने आप ही को तो देखकर नमाज पढ़ना सीखी है। क्या मुझे देखकर सीखी है? जी गुलाम रसूल भाई, आपको देखकर नमाज सीखी है। मगर कनीज फातिमा, बच्चियों और इस्लामी बहनों की नमाज तो हमसे अलग होती है। क्या? चले आए, मैं आप दोनों को इस्लामी बहनों की नमाज का तरीका सिखाता हूँ। तो सबसे पहले स्कार्फ या चादर के नीचे कंधों तक अल्लाह अकबर कहते हुए दोनों हाथ उठाने हैं। उल्टे हाथ की हथेली सीने पर रखनी है और फिर उल्टे हाथ की हथेली की बैक साइड पर सीधे हाथ की हथेली रखनी है। इस तरह खड़े होने की हालत में सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इस्मुका وتعالى جدك ولا اله غيرك اعوذ بالله بسم الله سورة فاتحہ اور قرآن پاک کی کوئی ایک سورت پڑھ لیں
अब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना होगा, इस तरह। यानी आप दोनों ने मेरी तरह पूरा नहीं बल्कि थोड़ा सा ही झुकना है। इसके बाद घुटनों पर हाथ रखना है, इसमें उंगलियां मिली हुई रखनी है और पांव झुके हुए रखने हैं। और रुकू में क्या पढ़ना होता है? सुभाना रब्बियल अजीम। मगर गुलाम रसूल भाई, ये पढ़ना कितने दफा होता है? इस तस्बीह को 3 दफा पढ़ा जाता है। जैनब रुकिए, दरवाजा मुझे खोलने दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फैजान भाई, कैसे आना हुआ? और सब खैरियत तो है ना? जी जी, सब खैरियत है। वो मैं आपके घर के पास से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता हुआ चलूं। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप आए। आइए, अंदर आ जाइए। आप भी इस्लामी बहनों की नमाज का तरीका देखिए। हाँ तो कनीज फातिमा, मैंने नमाज का तरीका कहाँ तक बता दिया था? रुकू में 3 बार सुभाना रब्बियल अज़ीम पढ़ना होता है। इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए बिल्कुल सीधा खड़ा होना होता है और फिर कहना होता है अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। माशाअल्लाह कनीज फातिमा। अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। जी, अब इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए इस तरह सजदे में जाना होता है कि पहले घुटने, फिर हाथ, फिर दोनों हाथों के बीच में इस तरह सर रखना होता है कि पहले नाक, फिर पेशानी जमीन पर लगे। सजदे में नजर नाक पर होनी चाहिए। सजदा सिमट कर करते हैं इस तरह, और दोनों पांव पीछे निकालने होते हैं इस तरह। अब सजदे में क्या पढ़ना होता है? सुभान रब्बियल आला, माशा अल्लाह। और ये भी 3 दफा ही पढ़ना होता है? जी, इसे भी 3 दफा ही पढ़ा जाता है। अब इसके बाद सर इस तरह उठाना होता है कि पहले पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ उठें। दोनों पांव सीधी तरफ निकालने होते हैं इस तरह, और सीधा हाथ सीधी रान के बीच में और उल्टा हाथ उल्टी रान के बीच में रखना होता है इस तरह। अब दोबारा अल्लाहु अकबर कहते हुए पहले सजदे ही की तरह दूसरा सजदा भी करना होता है। अब पहले सर उठाना है, फिर हाथों को घुटनों पे रखना है और पांव के पंजों के बल खड़े हो जाना है। तो इस तरह एक रकात पूरी हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गुलाम रसूल भाई, क्या फैजान भाई आपके घर आए हैं? जी जी, आप भी अंदर आ जाइए। मैं कनीज फातिमा को इस्लामी बहनों की नमाज का तरीका सिखा रहा था, आप भी देख लीजिए। फैजान भाई, मैंने आपको देख लिया था, आप बाबू अंकल की मुर्गियों को खोल कर आ गए और मुर्गियाँ बाहर निकल कर भागने लगी। क्या? और ये तो वहाँ से अपनी स्कूटी पर निकल गए और लोग मुर्गियाँ पकड़ते रह गए। खैर, वो सब तो पकड़ में आ गई और पिंजरे में चले गई। फैजान भाई, ये तो बहुत बुरी बात है। गुलाम रसूल भाई, मेरी स्कूटी का हैंडल टकरा गया था जिससे पिंजरे का दरवाजा खुल गया। मैंने जानकर ऐसा नहीं किया था। चले, आइंदा ख्याल रखिएगा। और नुमान भाई, आपको भी फजान भाई की ये बात इस तरह सबके सामने बयान नहीं करनी चाहिए थी। कम बैक टू दी पॉइंट। अब दूसरी रकात में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्हम्द और सूरत पढ़नी होती है और पहले की तरह रुकू और सजदे करने होते हैं। दूसरी रकात में दूसरे सजदे से सर उठाने के बाद दोनों पांव सीधी तरफ निकाल कर बैठना होगा, देखिए इस तरह, और पहले की तरह सीधा हाथ सीधे रान के बीच में और उल्टा हाथ उल्टी रान के बीच में रखना होगा। अब तशहुद यानी अत्तहियात पढ़नी होगी और तशहुद में जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमा ला के करीब पहुँचे तो सीधे हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाएं और छोटी
اور اس کے پاس والی کو ہتھیلی سے ملا دیں اور لفظ لا پر کلمے کی انگلی اٹھائیں بالکل اس طرح سے مگر اس کو ہلانا نہیں ہے اور کلمہ اللہ پر گرا دینی ہے اور سب انگلیاں بھی فوراً سیدھی کر لینی ہے پہلے کی طرح پھر درود ابراہیم پڑھنا ہوگا پھر کوئی سی دعائیں مسورہ بھی پڑھنی ہوگی غلام رسول بھائی دعائیں مسورہ کیا ہوتی ہے جو دعائیں قرآن یا حدیث میں آئی ہیں انہیں دعائیں مسورہ کہتے ہیں اور پھر نماز ختم کرنے کے لیے پہلے سیدھے کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہوگا اور پھر الٹے کندھے کی طرف منہ کر کے بھی یہی سلام کرنا ہوگا اس طرح نماز مکمل ہوگی اور اگر یہ آخری رکعت نہیں ہے تو التحیاتو کے بعد پھر کھڑا ہونا ہوگا اور بقیہ نماز مکمل کرنی ہوگی غلام رسول بھائی یہ نماز مجھے کیسے یاد ہوگی کنیز فاطمہ آپ اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ غلام رسول کے اس خاکے کو یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتی ہیں اور نماز کی پریکٹس کر سکتی ہیں واہ کیا بات ہے غلام رسول بھائی خواتین کی نماز کا طریقہ یوٹیوب پر یہ تو میں اپنی اپی کو ضرور بتاؤں گا ہاں میں بھی اس ویڈیو کو ضرور دیکھوں گا اور اپنی امی کو بھی ضرور دکھاؤں گا پیاری بچیوں آج ہم نے غلام رسول بھائی سے اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ سیکھا ہے آپ نے بھی اسی طرح نماز پڑھنی ہے اور اگر آپ نماز سے متعلق بہت ساری معلومات حاصل کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے امیر اہل سنت کی کتاب اسلامی بہنوں کی نماز حاصل کریں اور اسے پڑھیں اور ہاں اب سے آپ سب غلام رسول کے کارٹونز اور بچوں کے پروگرام ہمارے فیس بک پیج کڈز مدنی چینل پر دیکھ سکیں گے اور ہمارا یوٹیوب کڈز مدنی چینل بھی سبسکرائب کریں اور سیم ایڈریس پر ہمیں انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کریں بچوں کا مدنی چینل آ گیا